तो हम आ गए हैं चांदनी चौक की गलियों में। अगर दिल्ली आए हैं चांदनी चौक ना देखा तो क्या देखा। मुझे मिलेगा छुटकारा मुझे भी थोड़ी देर के लिए, और ये हमें मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप करने जा रहे हैं। सो फिर इनका भी छुटकारा, ये आराम से रिलैक्स करेंगे और हम लोग भी आराम से शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, एक्सप्लोर चांदनी चौक। तो चलते हैं, पहुंच गए हम मेट्रो स्टेशन एंड श्वेता भी पहुंच ही गई है, वो भी स्कूटी पार्क कर रही है अपना। तो हम चले टुवर्ड्स द टिकट काउंटर। ऑयलिंग किए, आधा घंटा रखी, फिर धो ली। बच्चे पीछे बैठ गए हैं, मस्ती इनकी भी। आराम से बैठना तो पकड़ के, ठीक है, गिर मत जाना। गली है ना, चांदनी चौक की गलियों में मोटी भी मैं देखी थी सिर्फ चांदनी चौक। यहाँ हम आ गए हैं स्पेशल रबड़ी जलेबी खाने, जो काफी भीड़ भी है, दिख रही है आप लोग। और इधर श्वेता पूछ रही है कि पराठे वाली गली कहाँ पे है, सो वी कैन ट्राई आउट सम यम्मी पराठास। और इधर बच्चे आपस में खेल रहे हैं, दे आर वेरी वेरी हैप्पी। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, हम सब हैं अभी चांदनी चौक में, चांदनी चौक की गलियों में, और हम घूम रहे हैं, दो औरतें दो बच्चों को लेकर। औरतें मत बोलो, टू गर्ल्स ओके, एंड सी द पर्क्स ऑफ हैविंग चिल्ड्रन। एंड हम लोग जा रहे हैं अभी, एक हमने गाइड किया है जो रिक्शा वाला है, ही नोज एवरीथिंग, तो वो हमें लेकर जा रहा है अभी दौलत की चाट खिलाने, और हम पराठे वाली गली भी जाने वाले हैं, और उसके बाद हम जलेबा खाएंगे और 2-4 किलो वजन तो बढ़ा ही लेंगे, है ना। आज उसका वजन का सोचो नहीं, हम लोग आएंगे नहीं। ये है पराठा वाला गली। हाँ जी, अच्छा इसके अंदर पराठा मिलता है, खाना पीना अच्छा।
वो ओरिजिनल वाला है ना? हाँ। ये पराठे की गली है। तो हम घुस रहे हैं अभी पराठे वाली गली में। इधर श्वेता उनको बांध रही है, स्वेटर खोल दी है, उनको गर्मी लग रही है दोनों। क्यों मम्मी? चलो एंड ये एक्चुअली ना पराठा है नहीं, दिस इज कॉल्ड एज पूरी, क्योंकि ये डीप फ्राई होके आ रहा है। सो आज आंख बंद करके जो दिख रहा है उसको बंद करके खा लिया जाए विदाउट एनी गिल्ट। ये लो खाओ, देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कैसा है। यम्मी, दिस इज रबड़ी पराठा एंड लस्सी। चलो खाओ। सो ये है रबड़ी पराठा, इसके अंदर रबड़ी भरी हुई है और इसके साथ सब्जी दिए हैं, चटनी एंड इट्स यम। मैंने एक लखनवी बिरयानी बनाया, लखनऊ गई थी ना, वो बिरयानी तो जो बनाई थी होली में। हाँ, बहुत अच्छा था लास्ट ईयर। अच्छा लगा था? हाँ बहुत। फिर बना, उस दिन बनाया। ये है चांदनी चौक और हम जा रहे हैं मसाला मार्केट, और यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी अच्छा मिलता है, देखते हैं। सो यहाँ लाइन से है ड्राई फ्रूट्स की दुकानें और हम आए हैं ये कौन सी जगह, फतेहपुरी। इस जगह का नाम है फतेहपुरी। शूज की दुकान, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज, इतनी खूबसूरत सुंदर सुंदर है। हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो हम जरूर देखते हैं शूज एटलीस्ट। मैं सोच रही हूँ मेरी सिस्टर के शादी में क्यों नहीं इधर आई। दोनों तरफ एकदम शूज की दुकान, इस तरफ भी वही है। देखो लुक एट माय आईज, सी व्हाट यू हैव डन। चूड़ियों का दुकान है इधर दोनों तरफ। देखो क्या किया साथ में। ओ, अनजाने में कर दिया श्वेता, क्या करें। ये है दौलत की चाट जो मिल रही है, कुछ येलो येलो सा मीठा मीठा सा होगा ये। इतनी भीड़ यहाँ पे। फोन है ना तुम्हारा, मैं फोन कर लूंगी। गेट नंबर 1 जामा मस्जिद। नीचे भी देख। तो हम खाना ऑर्डर कर लिए हैं और हमारा नॉन वेज स्पेशल आ रहा है, श्वेता की पसंद का, मेरी पसंद का, बच्चों को भी पसंद है। तो देखते हैं क्या क्या आ रहा है। By eating this, Shweta is taking out the extra oil from the curry and thinking that we will not get fat by eating this. If we take out some oil, it will turn into a low fat food. This is mutton biryani and it looks yum. मटन है, सुपर। ये खमीरी रोटी सो यमी, सो यमी। आजा, तुम्हारा कबाब गया। सो यहाँ से मैंने ये सेवैया लिया है, ये जो पीछे दुकान दिख रहा है आपको। सो ये बैक कैमरा ऑन करके दिखा। Yeah.
स्टेशन और अभी हम वापस जा रहे हैं विद लॉट्स ऑफ बैग्स एंड बैगेजेस. बहुत कुछ खरीदा है हमने. चीनू वहाँ से हाई कर रहा है. सो हम जा रहे हैं वापस मागे हुए सेक्टर 21 का. हाँ पिक्चर भी ले सकते ना. सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के बाहर है. चीनू को जाने का मन नहीं है. चीनू को खेलना है ओम के साथ. ओम का है स्केटिंग क्लास. हमारे घर की जिम्मेदारियाँ. तो हम वापस आ गए हैं और इट्स गोइंग टू बी 5 o'clock. सो मेरा क्लास है, मैं क्लास लूँगी और ओम का स्केटिंग क्लास है. तो ओम उसके फादर के साथ गए हैं स्केटिंग क्लास. सो आज का ये जो विजिट था टू ओल्ड दिल्ली दैट इज़ चांदनी चौक वाज ऑसम. इतना अच्छा लगा मुझे, मैं बोल नहीं सकती हूँ. मुझे मतलब इतना ओल्ड वाइब्स, छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ और ऑथेंटिक फूड. इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था. इट वॉज सो नाइस टू एक्सप्लोर चांदनी चौक, जो कि आई एम श्योर अगर मैं डॉक्टर पार्थो के साथ जाती तो मुझे शायद इतना मज़ा नहीं आता जो कि मुझे श्वेता के साथ जाके मज़ा आया. क्योंकि जनरली जेंट्स का क्या होता है, वो ज़्यादा भीड़ भाड़, ज़्यादा वैसे जहाँ पे इट्स वेरी कंजेस्टेड, तो वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं. लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा. और आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिपीज अर्बन लाइफ. बी अ पार्ट ऑफ दिस स्मॉल फैमिली, अ स्मॉल कम्युनिटी. कीप सपोर्टिंग मी एंड बी हैप्पी, बी काइंड, बी पॉजिटिव एंड कीप मेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज. छोटी सी बस जिंदगी है. नो ग्रजेस अगेंस्ट ईच अदर. बी हैप्पी. अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कीजिए और मेमोरीज बनाते रहिए. यही मेमोरीज ना जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमें बहुत अच्छी लगेगी. सो दैट